हेलो जी, नमस्कार। आज हम बात करते हैं, स्त्रियों की भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, मासिक धर्म। हमारे कंट्री में स्त्रियों के मासिक धर्म की बहुत तकलीफ रहती है। किसी को मासिक धर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लीडिंग इतनी हो जाती है कि खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, थक जाती हैं, चक्कर आते हैं, ऐसी दिक्कतें आती हैं। ज़्यादा मासिक धर्म, ज़्यादा खून की कमी होने से, मासिक धर्म आने से, तो नेचुरली आइंदा आने वाले समय में उनको मासिक धर्म बार बार आने लगते हैं, या फिर कई कई दिन नहीं आते, 40-40, 50-50 दिन नहीं आते, 2-2 महीने नहीं आते। ये सारी प्रश्नों में औरतें एक फंस जाती है, उसको कमजोरी, सुस्ती, थकावट, जिस्म में दर्द, माथे पर पसीना आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन रहना, लव करने को, सेक्स करने को दिल नहीं करना, और संतान प्राप्ति में भी दिक्कत आती है। इसके उपचार के लिए जरूरी है भी हम अपना टेस्ट करवाएं। एक ब्लड टेस्ट करवाना है हमने, उसमें सिंपली हमने होमोग्राम कराना है, खून कितना पतला है, गाढ़ा है, आयरन कितना है उसमें, B12 करवाना है, फॉलिक एसिड करवाना है, ये खून का टेस्ट है। और दूसरा उनको हार्मोन टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि हार्मोन जैसे इजेस्टोन और प्रोजेस्टेरोन के ऊपर ही मासिक धर्म डिपेंड करता है, चालू रहता है। अगर उनमें कमी आती है या जाती होती है तो मासिक धर्म में गड़बड़ होती है। इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए इस बात के लिए, जिनको ये तकलीफ है उसका इलाज करवाना चाहिए। किसी भी हालत में, कैसी भी हालत में, किसी भी अच्छी पोजिशन हो औरत की, तो मासिक धर्म गड़बड़ हो गया तो उसका दिमाग गड़बड़ हो जाता है, हर वक्त चिंता में रहती है, चाहे उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसलिए उसका जरूरत पड़े तो इलाज ले। सबसे पहले तो पौष्टिक खुराक होनी चाहिए, जिसमें कैल्शियम, विटामिन सी, B12, आयरन, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें मूली, गाजर, पालक का साग और स्पेशली सेब जैसी चीज़ों में मिलती है। ये डाइट हमें डेली थोड़ी बहुत लेनी चाहिए। आटा खाली एक ही किस्म का नहीं खाना चाहिए, 2-3 आटा, जैसे मक्का का आटा है, गेहूं का आटा है, ये मिला के देना चाहिए। जो बहनें ज़्यादा मोटी हैं उनको गेहूं में 10-20% जौ का आटा मिलाना चाहिए, उससे भी वजन भी कम होता है, मोटापा भी नहीं बढ़ता, अच्छा रहता है वो। ऐसे ही लोगों को इसके साथ पेट की खराबियां आती हैं, तो इसके इलाज के लिए ज़रूरी है भी आप अपने लोकल गायनेकोलॉजिस्ट को मिलें, उनसे इलाज करवाएँ। अगर आपका भरोसा हमारे ऊपर है, अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, आप जब मर्जी आ सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स हैं तो लेके आएं, अगर रिपोर्ट्स नहीं हैं तो एक तो सिंपल रूटीन में आप अपना खून का टेस्ट कराइए, HB, TLC, DLC, ये टेस्ट करवाना है, और हार्मोन्स का, एजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्टेरोन, आपका ये टेस्ट होना ज़रूरी है। इससे पता चल जाता है हार्मोन में कमी है, पेशी है, कोई गड़बड़ी है, मेंसेज आपके क्यों गड़बड़ हुए, उसके हिसाब से इलाज हो जाता है। इसी रोगों के लिए, इसी समस्याओं के समाधान के लिए, मासिक धर्म की खराबियों के लिए आप हमसे बहुत दूर हैं, आप नहीं आ सकते। ये ट्रीटमेंट पूरी बातचीत आप करके हमें बता के, नोट करवा के हम एक फाइल बनाएंगे, वो ट्रीटमेंट हम आपको ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। उसके लिए आपने पूरा पता देना होता है, अपना A to Z एड्रेस देना होता है, उसमें आप उसको गुप्त रखना चाहें तो अपने किसी फ्रेंड के नाम, अपने किसी दुकानदार के नाम वो दुआ लीजिए। पार्सल के बाहर कोई अशोक गुप्ता या कि अशोक क्लिनिक का नाम नहीं होता, पूरा गुप्त रखा जाता है, आपका पता, एड्रेस वगैरह। इसके अलावा आप खुद आना चाहते हैं तो समय लेकर आए, आपको चेकअप करने के लिए, देखने के लिए हमारे पास लेडी डॉक्टर भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, वो हर वक्त हमारे पास नहीं बैठती। आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे
आपकी मुलाकात नहीं डॉक्टर से होगी, वो आपको देखेंगे, ठीक है, आपकी रिपोर्ट जो है साथ में लेके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जानकारी के लिए अशोक क्लिनिक को सब्सक्राइब करें। हम स्त्रियों के लिए वीडियोस रील थोड़ी कम बनती हैं क्योंकि स्त्रियां संकोच करती हैं, या बहुत स्त्रियां अपने लोकल डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट ले लेती हैं, ये अच्छी बात है, पर फिर भी किसी किस्म की स्त्रियों के लिए कोई सेवा है, मासिक धर्म की खराबी है, कमज़ोरी है, पतले दुबले ज़्यादा हैं, संतान नहीं होती, या बर्थ कंट्रोल चाहते हैं, सब समस्याओं का समाधान अशोक क्लिनिक में होता है। इसमें कोई ये नहीं भी खाली पुरुषों का इलाज ही मर्दाना ताकत बढ़ाने का होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषों का इलाज तो करते ही हैं। तो आप जब भी जरूरत है सेवा का मौका दें, हम हाजिर हैं। हाँ, आपको ये बात बहुत ज़रूरी है बतानी कि अशोक क्लिनिक पीछे 35 सालों से चांदनी चौक में चल रहा था, अब किसी वजह से भी कोरोना के कारण भी अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है। आप चांदनी चौक बिल्कुल ना जाएं, जब भी आना है अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में आएं। पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है अशोक क्लिनिक, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने है। अशोक क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140। क्लिनिक अपने तौर पर डेली सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। अपने लिए डॉक्टर को मिलना है तो टाइम लेके मिले, हर वक्त वो नहीं मिलती। नमस्कार।